हाय फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता सिंह ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग बताइएगा कैसे हो। मैं तो ठीक हूँ, थोड़ा ठीक लग रहा था, नहाया हूँ, नहा करके थोड़ा सा बात कर लें आप लोग से, अच्छा लगा। थोड़ा धूप में गए तो धूप तो नहीं निकला है, छत पे बैठे हो तो बाल सुखाए हैं, लगे बाल धो रहे थे, पूरा तेल लगाए थे, पूरा अजीब लग रहा था, मन फीवर फीवर ऐसा, तो नहा के थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ। और बैठे हैं, अभी खाना नहीं बना है, बाबू स्कूल गया, पहुंचा दिए हैं, अभी लाना है बाबू को, क्योंकि ये ड्यूटी गए हुए, इसका पापा नहीं है घर में, तो अभी ले आएंगे बाबू को, अभी टाइम है, सोचते तो कुछ बना लूँ खाने के लिए, क्योंकि इनका आते थे बहुत लेट हो जाएगा, 3 बज जाता आते, तो फिर कब बाबू लोग को भूख लग जाता है, तो क्या करें। इसीलिए आप लोग बताइएगा कि क्या कर रहे हैं आप लोग। और सब चीज़ नॉर्मल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ब्लड टेस्ट नहीं आया, उसी लिए है क्या आएगा नहीं, वही थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। थोड़ा सा लाइट जला उठा, ऐसा कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा नहाए तो फ्रेश लग रहा है, तो 4-5 दिन या 18 डे से ही ठीक नहीं लग रहा था एकदम, आधा अजीब वीकनेस से सर लग रहा था, तो थोड़ा सा थोड़ा सा नहाए तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग बताइए अब क्या करेंगे, अब सब पर्व त्यौहार तो खत्म हो गया है, और आप लोग क्या करेंगे। अब तो देख रहे हल्का हल्का ठंडा भी लगने लगा है, आज तो नहीं निकालेंगे हमने, 2-3 दिन थोड़ा देख लेते हैं कैसा ठंडा, ज़्यादा बहुत निकालेंगे, और नहीं तो थोड़ा पूर्णिमा के बाद निकालेंगे, अभी से कितना ठंडा, कम्बल सब बाहर निकल जाता है, तो बहुत सारा कपड़ा ज़्यादा दिखने लगता है घर में, उसी हम बोले थोड़ा लेट से निकालेंगे। ऐसे पतला चादर रखे हैं ओढ़ने के लिए, तो कोई इतना ये नहीं है, तो आज का मौसम बहुत ख़राब है। आप लोग बताए कहाँ का धूप निकला है, यहाँ भी निकला है लेकिन कम निकला है, तो पता नहीं फिर बारिश होगी क्या, अगर बारिश होगा तो बहुत ठंडा आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, अभी जैसे कम है तो कहीं कहीं धूप निकला है बहुत अच्छा, लेकिन जहाँ हम फ़ोन किए 2-3 जगह पता चला कि सब जगह वैसा ही मौसम है। और इधर पीछे में आपको दिखाया तो वो कंघी रखे हैं, क्लेचर रखे हैं पीछे में, इसलिए आप लोग को दिखता है बार बार, और यहीं बैठे रहते हैं तो कहाँ बैठे बाहर में अच्छा नहीं लगता है, तो घर में ही बैठे रहते हैं, क्योंकि ऊपर पर रेंट में सब रहता है और हम नीचे ही रहते हैं, तो सब आते जाते रहता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए यहीं पर मेरा बैठने जगह है, कि आप लोग देखेंगे जब भी ब्लॉग बनाए जो शॉर्ट वीडियो बनाए हैं तो यहीं का आता है ज़्यादातर, और रूम और है लेकिन वहाँ हम नहीं बैठते हैं, क्योंकि बाबू लोग वहाँ टीवी देखते रहते हैं, वो रूम में ज़्यादा नहीं बैठते हैं ज़्यादा, ये रूम और किचन ज़्यादा, यही 2 जगह हम रहते हैं, वो रूम में भी लोग पढ़ाई करता है, टीवी देखता है, तो सारा लोग वर्क करता है वो रूम में बैठ के, तो वो रूम में जाके वीडियो हम ज़्यादा नहीं शूट करते हैं। और बताइए आप लोग, अब तो खुजली हो रहा है, नहाए थोड़ा सा ठंडा भी लग रहा था, पता नहीं गर्म पानी से नहाए थे फिर भी ठंडा लग रहा था, तो छत पे चले गए, थोड़ा सा बाल भी सूख गया, थोड़ा सा बदन भी गर्म गया था, अच्छा लग रहा था। और खाना में पता नहीं क्या बनेगा, बोल रहा था नॉन वेज बनाने के लिए, तो हम नहीं बनाए हमने, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, ताकि बनाने से बहुत परेशानी हो जाता है, डबल डबल मेहनत हो जाता है, इसलिए हम लेके पापा रहेंगे घर में तो लाएंगे बनाएंगे, फिर लाना है बनाना है अकेले दिक्कत हो जाता है, सब काम अकेले करो, इसलिए हम पापा रहेंगे तो बनाएंगे, लोग कहे कि बहुत दिन से खाया नहीं, लोग परेशान हैं, तो हम देखते हैं क्या बनाते हैं। सुबह में जा रहे थे मछली लाने, तो बाबू बोले मछली नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें काटा रहता है, तो लोग नहीं खाने खुजता है, चिकन खा ले तो उसमें आसान है तो खा लेता है, ऐसे तो कुछ खाता नहीं है लोग, केवल रस खाएगा, ज़्यादा कुछ खाएगा, 1-2 पीस खाया खाए, नहीं तो नहीं खाता है, लेकिन दूध बहुत ज़्यादा पसंद, दूध दही दे दीजिए तो जितना भी दीजिए लोग को खा लेगा, लेकिन चिकन नहीं खाता है, बहुत कम खाता है, फिर भी आज बोल रहा था मम्मी लाओ चिकन बनाओ, ठीक है देखेंगे बनाएंगे।
और सब बताइए कैसे हो आप लोग। आज तो सबके घर में नॉनवेज बना हो क्योंकि पर्व त्यौहार सब खत्म हो चुका है, तो बहुत घर में नॉनवेज बना होगा जिसको जो पसंद होगा। तब बोले बाबू शाम को ले चलेंगे तुम लोग को कुछ खिला खिला देंगे बाहर से, क्या घर में तो नहीं बना पाए क्योंकि लाने के लिए भी जाना था बाबू लोग को, तो कब बनाएंगे कब लाएंगे कि देखने लिए एक आदमी रहता तो ठीक है। तो हम बोले कि फ्राइडे को बना देंगे, अब देखते हैं लोग मानता है तो ठीक है, नहीं तो शाम को कुछ ले जाएंगे खाने के लिए। और बताइए आप लोग कहाँ हैं कैसे हैं क्या कर रहे हैं। हम बैठे थोड़ा ना वीडियो शूट कर लें, एकदम से नहीं कर पा रहे थे। बाल अभी थोड़ा सा भी गीला ही है, थोड़ा सा ऊपर पर सूखा है तो सूख जाएगा, थोड़ा सा खुला रखेंगे। फैन तो नहीं चला, ठंडा लग रहा है, फैन नहीं चलाएंगे ऐसे चल के, खुला रहेगा तो सूख जाएगा। खुजली हो रहा है बहुत, पता नहीं क्यों, मौसम चेंज रहता है ऐसा ही, कभी आँख खुजली होता है कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। और बताइए आज तो क्या बात कर रहे हैं, कहीं जा भी नहीं पाए हैं, सोचे इन लोग को मेला घुमा दें, आज जाके देखते हैं जा पाते तो ले जाएंगे घुमा देंगे, क्योंकि आज काली जी का विसर्जन भी है तो जल्दी ही ले जाएंगे, देखते हैं लोग घुमा के ला देंगे। क्या कि एक ही दिन गया, उसके बाद फिर तबीयत ही ख़राब हो गया तो नहीं जा पाए, और तबीयत ख़राब क्यों, थर्सडे से तबीयत ठीक नहीं था, कल भी बोले कि जाएंगे तो वो ठीक नहीं लग रहा था, तो हम आज वो रेस्ट करने दीजिए कल चलेंगे। आज बाबू लोग से प्रॉमिस किए आज ले जाएंगे, आज इनका ऐसे ड्यूटी का छुट्टी भी रहेगा रात को तो घुमा के ला देंगे, बोले चलना घूम के, और इसलिए नहीं लेके बाबू का टेस्ट भी था इसीलिए और नहीं ले गए, और कोई बात नहीं है। वीकली टेस्ट उन लोग स्टार्ट हो गया है तो हमारे बाबा जी टेस्ट हो जाएगा तो फिर आज शाम को फ्री हो जाएंगे ले जाएंगे, फिर आगे बुधवार को टेस्ट होगा, इसीलिए हम लोग बाबा आज भर पढ़ाई कर लो उसके बाद कल चलेंगे। फिर भी ये लोग नहीं मान रहा था तो हम ये लोग को ले जाके फिर इसका वो पापा को बोले कि आप ले जाइए घुमा के बाबू को ला दीजिएगा कुछ खिला दीजिएगा, तो लोग शांत हो गया, नहीं तो जिद कर रहा था मम्मा चलो मम्मा चलो। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। इस तरह मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मेरे ब्लॉग देखने के लिए ढेर सारा प्यार आप लोग को, और जब गलती हो तो आप लोग माफ़ कर दिया कीजिए, कहें कि हमको उतना सूट करने नहीं आता है, और आप लोग इसी तरह ब्लॉग मेरा प्यार मेरे साथ प्यार बनाए रहिए आप लोग, ताकि मेरी फैमिली बढ़े, और फैमिली तो बहुत बड़ा है लेकिन आप लोग भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं तो फैमिली ही बन रहे हैं आप लोग, तो अच्छा लगता है बात करके, क्योंकि क्या करें सबसे तो फ़ोन में बात हो जाता है तो आप लोग से फ़ोन में बात नहीं कर सकते, तो ब्लॉग बना के ही बात हो जाता है आप लोग से, आप देखते हो तो अच्छा लगता है, ढेर सारा प्यार दे रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। ठीक है ओके बाय, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।